सर यहाँ पर 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। लॉकडाउन होने की वजह से शराब दुकानें 7 अप्रैल तक बंद हैं। लिहाजा 3 दोस्तों ने स्प्रिट पीकर अपनी लत दूर करने की कोशिश की, लेकिन जिंदगी से हाथ धोना पड़ गया। घटना गोलबाजार थाना क्षेत्र में बासटाल की है, जहां पर 2 लोग अजगर खान और दिनेश समुंदर की मौत हो गई है, जबकि अजय कुंजाम की हालत गंभीर बनी हुई है। मौके पर पहुंचे महापौर एजाज देवर से बातचीत की सूरज संवाददाता सत्यराजपुर में। मौत होने की खबर है और इस वक्त हमारे साथ रायपुर के महापौर इजाज ढेबर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वो उनके परिजनों से मुलाकात करके आए हैं, उनसे जानते हैं। आप अभी उनके परिजनों से मुलाकात करने गए थे, क्या मामला आया, क्या कारण है उनके मौत का? देखिए, ये जो 3 केस है मेरे वार्ड के हैं और ये लोगों ने परसों रात में ये लोग ने स्प्रिट पिया है। जैसा अभी उसने जो 2 लड़के तो खत्म हो गए और तीसरा जो लड़का है अभी गंभीर रूप से गंभीर अवस्था में, जो उसके अभी हम लोग वो देख कर आए, जो डॉक्टर जो उनसे पूछते हैं तो उन्होंने बताया कि हम लोग 2 दिन पहले हमने स्प्रिट पिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दारू नहीं मिलने की स्थिति में ये लोग तरह तरह का नशा कर रहे हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को इसमें विचार करना चाहिए, सरकार क्या फैसला लेती है। अब हम लोग सरकार को अवगत कराएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग दारू नहीं मिलने की स्थिति में कोई सोल्यूशन ले रहा है, कोई स्प्रिट ले रहा है, कोई इंजेक्शन खा रहा है, कोई तरह तरह के लोगों को नशे बढ़ गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इसमें गंभीरता से कुछ ना तो कुछ विचार लेना चाहिए। अभी आप मेगाहरा हॉस्पिटल भी पहुंचे हैं, या जहां एक तीसरे व्यक्ति का इलाज जारी है, अभी क्या स्थिति है, डॉक्टरों से आपने बातचीत किया है? देखिए, मैंने डॉक्टरों को उनका उचित अच्छा इलाज हो, वो मैंने अभी उनको डॉक्टर को मैंने दिशा निर्देश दिए हैं। और साथ ही क्योंकि वो लड़का पूरा अंदर में जा चुका है, पूरी उसकी हथेली जल चुकी है, वो मतलब बहुत गंभीर है, तो भी मैंने डॉक्टर को बोला कि आप जैसा भी आप इसके अच्छे से अच्छा इसका आप इलाज करने की व्यवस्था करें। तो अभी आपने महापौर इजाज़ ढेबर को सुना, जिनका साफ कहना है कि स्प्रिट के सेवन करने के बाद 2 लोगों की मौत हो गई है और तीसरे व्यक्ति का मेकाहारा में इलाज जारी है, जिसकी स्थिति बेहद चिंताजनक है। कैमरामैन रेखा राम के साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार